जय हिंद जय भारत। जैन साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार उफजेडी एक बार फिर हाजिर हूँ मैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं इतने अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं। और एक चीज़ याद रखो, जो मैं वीडियो लाता हूँ ना, ये बहुत कम लोगों के चैनल पर मिलते हैं, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का जिस चीज़ के हम वीडियो लाते हैं। और आपके लिए फ़ायदे के लिए बहुत सारे हम तो कराते हैं, अपने बच्चों को जो वर्कआउट कराते हैं वो तो कराते ही हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि जो गांव यानी गांव क्षेत्र में जो अदर जो आ नहीं सकते एकेडमी में तैयारी के लिए, उनके लिए जो वर्कआउट नहीं मिल पाता वो चीज़ें हम आप लोगों को शेयर करते हैं। सिर्फ आप लोगों को देखना है। आप लोग बहुत सारे इधर उधर के वीडियो देखते हो, टिकटॉक वगैरह, मौज वगैरह, टकाटक वगैरह, बहुत सारे वीडियो देखते हो, लेकिन ये वीडियो अगर आप देखोगे, अगर आप इंडियन आर्मी बॉयज हैं, रेसर हैं, धावक हैं, जो भी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके लिए हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो एक बार यार बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, उसमें से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है अश्वगंधा, जो आपकी डाइट में शामिल करना है जो रनिंग करते हैं बंदे। अभी समझ लो कि बहुत सारे बंदे ना बाहर का खाना खा खा के अपनी इम्यूनिटी पावर को ख़त्म कर रहे हैं। उसके लिए मैंने सोचा कि आपको सिर्फ बहुत ही सस्ता है यार, बहुत ही सस्ता है, देसी है और सस्ता भी है, आपको बिल्कुल नॉर्मल पैसों में मिल जाएगा और आपकी बॉडी के लिए इतना लाभदायक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप इतना अच्छा वर्कआउट करेंगे, रनिंग करेंगे, मसल स्ट्रेच नहीं होगी, ये समझ लीजिए आप। तो अभी मैं इसके फायदे बताने वाला। अगर आप अश्वगंधा का यूज करते हैं तो इसका जो पेस्ट आता है यानी चूर्ण जो आता है उसको आपको दूध में यूज करना है, आधा ग्लास दूध में उसका घोल बनाना है और यूज करना है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, सिर्फ आप बहुत ही आधा चम्मच ही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते, और गर्मी में सिर्फ एक बार लेंगे। अभी सर्दियाँ जब आती हैं ना तो आप इसको दो बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में आपकी बॉडी को हीट रखता है। जब हीट रखता है तो जब आप रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ये आपके मसल्स यानी जो अंदर की मसल्स होती हैं, नसें होती हैं, उनका खिंचाव नहीं होने देता। और एक चीज़, जब आपकी हड्डियों में पेन होता है ना, अगर आप इसका यूज करते हैं तो हड्डियों का पेन भी नहीं होगा। और एक चीज़, जब आपके अंदरूनी क्षमता कम होती है, रनिंग करते करते अंदर की पावर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसको ये बढ़ाता है। बहुत ही फायदे हैं यार इसके, आप लोग पढ़ते नहीं हैं और गंदी चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग। इसका यूज, इसको देखो और इसके बारे में जानो। मेरे साथ स्टूडेंट हैं और इनको बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हैं। मैं इनको सारी चीज़ें डाइट में देता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या क्या यूज करना है। बहुत ही सस्ता है, बाहर आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, और आप इसका यूज करिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। दोस्तों जैसा कि मैंने तो बताया, मेरी बातों को आपने समझा, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट यूज करते हैं, जो इनका अनुभव है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ने पढ़ के बता दिया, मेरे पास लिखा रखा है, लेकिन मैं सारी चीज़ें अनुभव से बता रहा हूँ। वो चीज़ें हम लोग बारीकी से देखते हैं कि आप लोग गलत उसका यूज ना करें। अभी मेरे साथ स्टूडेंट है, मैं दो तीन स्टूडेंट से आपको पूछवाऊंगा कि ये कैसे यूज करते हैं और इनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप लोग सभी वीडियो में देखते होंगे, बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे, खुद आए रट के बता दिया, लेकिन मैं खुद एक ये समझ लीजिए एक्सपीरियंस इन बच्चों का साझा करता हूँ आपके साथ कि आप रियल में इनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या नाम है आप? अमन दीक्षित। जो अश्वगंधा होता है ना, जो आप लोग जब आप लोग यूज करते हो तो किस तरह से यूज करते हो आप? एक कप दूध में एक चम्मच घोल के 5 मिनट रख दीजिए, उसको फूल जाने दीजिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद पी लीजिए, ठीक है। अभी ये इसके क्या क्या फ़ायदे हो आपको पता है, आप यूज करते हो, ठीक है, जब आप यूज करते हो तो इसके बारे में आपको फ़ायदे और नुकसान पता होना चाहिए। एक तो रनिंग करते समय सांस नहीं फूलती है और प्लस दिन में आलस नहीं आता है और पेट भी साफ हो जाता है। अभी दूसरा बंदा, क्या इसके फ़ायदे होते हैं? हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और स्टेमिना इंक्रीज होता है। और क्या होता है? सांस, जैसे रनिंग में सांस फूलती है तो उसमें भी इसका फायदा मिलता है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग को बता दूं, इसके और बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपकी हाइट रुकी हुई है 1 से 1.5 सेंटीमीटर तो ये आपकी हाइट को बढ़ाने में भी मदद करता है, लेकिन ये थोड़ा काल्पनिक पॉइंट है ये, ठीक है, ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये हाइट बढ़ा ही सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ गारंटी के साथ जरूर बोलूँगा कि आपके अंदरूनी क्षमता को, अंदरूनी पावर को, बिल्कुल आपके विल पावर को, मस्तिष्क पावर को बिल्कुल इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो चीज़ें संभव हैं इसके बारे में वो मैं आपको परफेक्टली बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है अगर आप यूज करना चाहते हैं, अगर यूज करने जा रहे हैं तो। लेकिन हाँ, जो सिंपल व्यक्ति हैं वो इसका ज़्यादा सेवन मत करें, क्योंकि इसके नुकसान भी हैं। जो सिंपल व्यक्ति हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे, विदाउट स्पोर्ट्समैन है,
तो उनको ज़्यादा यूज नहीं करना है। अगर वो ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन ये बंदे अगर स्पोर्ट्समैन हैं, रनर हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको ये ले सकते हैं और ये अपने अंदरूनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने हड्डियों को पेन को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय।